एक तारीख को आपके सामने बात करते हुए हमने पूरा एक अपना एजेंडा बनाया था। हमने कहा था कि हम अपना एजेंडा के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। 4 तारीख की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम आगे काम करेंगे। उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि 7 तारीख को, पहले 6 तारीख हमने बोला था, उस प्रोग्राम को अब 7 तारीख कर रहे हैं। 7 तारीख को चार तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। एक तो इधर कुंडली बॉर्डर से चलेंगे, उधर टिकरी बॉर्डर से चलेंगे 7 तारीख को सुबह 11 बजे, और उस तरफ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ, और इधर मेवात से, मेवात में साकरस करके जगह है वहां, रेवासन, रेवासन से पलवल की तरफ। तो 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको परसों 7 तारीख को दिखाई देगी। पहला डिसीजन 9 तारीख को सर चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि है। हमारे तमाम मोर्चों पे हम उस किसान नेता को याद करेंगे जिसने हमें वो एपीएमसी और तमाम कानून दिए थे जिनको बचाने के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। कल से 14 दिन के लिए, पंजाब में पंद्रहवाड़ा कहते हैं, 15 दिन के लिए, हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में, अलग अलग इलाकों में, हमारे साथी ये बताएंगे आपको, अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। ये सब प्रोटेस्ट गहरे किए जाएंगे ताकि ये जो बात है कि ये सिर्फ पंजाब का है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके।